नाज़रीन इकराम कहते हैं कि कदरे सेहत मरीज से पूछो, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। सेहत अल्लाह ताला का हकीकतन बहुत बड़ा तोहफा है और कुदरत ने जितनी मंसूबा बंदी इंसान को सेहतमंद रखने के लिए की, इतनी शायद पूरी कायनात बनाने के लिए नहीं की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से पूछा, या बारी ताला, इंसान आपकी नेमतों में से कोई एक नेमत मांगे तो क्या मांगे? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सेहत। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, सेहत की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे निज़ाम मौजूद हैं कि जब हम इन पर गौर करते हैं तो अकल हैरान रह जाती है। हम में से हर शख्स 4,500 बीमारियां लेकर पैदा होता है। ये बीमारियां हर वक्त सरगर्म रहती हैं, लेकिन हमारी कुव्वत मुदाफित इन बीमारियों को कंट्रोल करती रहती है। मसलन हमारा मुंह रोजाना ऐसे जरासीम पैदा करता है जो हमारे दिल को कमजोर कर देते हैं, मगर जब हम तेज चलते हैं, जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है। हम तेज तेज सांस लेते हैं, ये तेज तेज सांसें इन जरासीमों को मार देती हैं और यूं हमारा दिल इन जरासीमों से बच जाता है। दोस्तों, दुनिया का पहला बाईपास 1960 में किया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने इस बाईपास में इस्तेमाल होने वाली नाली लाखों करोड़ों साल पहले हमारी पिंडली में रख दी। हमारी पिंडली में अगर ये नाली ना होती तो शायद आज दिल का बाईपास मुमकिन ना होता। इसके अलावा गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन 17 जून 1950 में शुरू हुई, मगर कुदरत ने करोड़ों साल पहले हमारे दो गुर्दों के दरमियान ऐसी जगह रख दी जहां तीसरा गुर्दा भी फिट हो जाता है। नाज़रीन इकराम, हमारी पसलियों में चंद इंतहाई छोटी छोटी हड्डियां होती हैं और हमेशा फालतू ही समझी जाती थी, मगर आज पता चला है कि दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके नरखरे जुड़े हुए होते हैं। ये बच्चे इस बीमारी की वजह से ना तो अपनी गर्दन सीधी कर सकते हैं, ना निगल सकते हैं और ना ही आम बच्चों की तरह बोल सकते हैं। लेकिन जब सर्जनों ने इन बच्चों के नरखरों और पसली की फालतू हड्डियों का तजिया किया तो मालूम हुआ कि पसली की ये फालतू हड्डियां और नरखरे की हड्डी एक जैसी हैं। चुनाचा सर्जनों ने पसली की छोटी हड्डियां काटकर हलक में फिट कर दी और यूं ये माजूर बच्चे नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, हमारा जिगर जिस्म का वो वाहिद हिस्सा है जो कटने के बाद भी दोबारा पैदा हो जाता है। हमारी उंगली कट जाए, बाजू अलग हो जाए या जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा कट जाए तो ये दोबारा नहीं उगता, जबकि जिगर वो वाहिद हिस्सा है जिसमें ये सलाहियत मौजूद है। जिगर के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं और इसकी इसी अहलियत की वजह से ये ट्रांसप्लांट हो सकता है और आप दूसरों को जिगर डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुदरत के ऐसे मौजे हैं जो इंसानी अकल को हैरान कर देते हैं, जबकि हमारे बदन में ऐसे हजारों मौजे छुपे पड़े हैं और ये मौजे हमें सेहतमंद रखते हैं। हम रोजाना सोते हैं, हमारी नींद मौत का ट्रेलर है। इंसान की ऊंघ, नींद, गहरी नींद, बेहोशी और मौत, ये पांचों एक ही सिलसिले के मुख्तलिफ मराहिल हैं। हम जब गहरी नींद में जाते हैं तो हमारे और मौत के दरमियान सिर्फ बेहोशी का एक मरहला बाकी रह जाता है। हम रोज सुबह मौत की दहलीज से वापस आते हैं, मगर हमें इस चीज का एहसास तक नहीं होता। खवातीन हजरात, सेहत दुनिया की इन चंद नेमतों में शुमार होती है जो जब तक कायम रहती है हमें इसकी कदर नहीं होती, मगर जो ही ये हमारा साथ छोड़ती है हमें फौरन एहसास होता है कि ये हमारी दीगर तमाम नेमतों से कहीं ज्यादा कीमती है। हम अगर किसी दिन मेज पर बैठ जाएं और सर के बालों से लेकर पाँव की उंगलियों तक सेहत का तखमीना लगाएं तो हमें मालूम होगा कि हम में से हर शख्स अरबपति है। जैसे पलकों को देख लें, हमारी पलकों में चंद मसल होते हैं, ये हमारी पलकों को उठाते हैं और गिराते हैं। अगर यही मसल जवाब दे जाएं तो इंसान अपनी पलकें नहीं खोल सकता। मजीद हैरत की बात यह है कि दुनिया में अब तक इस मर्ज का कोई इलाज नहीं, क्योंकि दुनिया के 50 अमीर तरीन लोग इस वक्त इस मर्ज में मुबतला है और ये सिर्फ अपनी पलकें उठाने के लिए दुनिया भर के सर्जनों और डॉक्टरों को करोड़ों डॉलर्स देने के लिए तैयार हैं। अब जरा कानों पर गौर करें कि हमारे कानों में एक लिक्विड होता है, ये पारे की किस्म का एक लिक्विड है। हम इसकी वजह से सीधा चलते हैं, अगर ये जाया हो जाए तो हम सिमत का तायुन नहीं कर पाते। हम चलते चलते चीजों से उलझना और टकराना शुरू कर देंगे, यानी कि चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, कानों में मौजूद इस लिक्विड से मुतालिक हम पहले ही तफसीली वीडियो बना चुके हैं। खैर नाज़रीन इकराम, आज लोग सेहतमंद गुर्दे के लिए 30-40 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। आपकी एड़ी में दर्द हो तो आप इस दर्द से छुटकारे के लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे। दुनिया के लाखों अमीर लोग कमर दर्द का शिकार हैं। गर्दन के मोहरों की खराबी इंसानी जिंदगी को अजीरन कर देती है। इसी तरह उंगलियों के जोड़ों में नमक जमा हो जाए तो इंसान मौत की दुआएं मांगने लगता है। दोस्तों, दांत और दाढ़ का दर्द रातों को बेचैन बना देता है। आधे सर का दर्द हजारों लोगों को पागल बना रहा है। शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की अद्वियात बनाने वाली कंपनियां हर साल अरबों डॉलर्स कमाती हैं। और आप अगर खुदा ना खासा किसी जिल्द के मर्ज का शिकार हैं तो आप जेब में लाखों रुपए डालकर फिरेंगे, मगर आपको शिफा नहीं मिलेगी।
दोस्तों मुंह की बदबू बज़ाहिर मामूली सा मसला है, मगर लाखों लोग हर साल इस पर अरबों रुपए खर्च कर देते हैं। हमारा मैदा बाज़ुकात कोई खास तेजाब पैदा नहीं करता और हम नेमतों से भरी इस दुनिया में बेनेमत होकर रह जाते हैं। नाज़रीन इकराम, सूरत दुखान आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इनके दरमियान है महज बेमकसद और इतफाकिया नहीं बनाया, बल्कि हमने तो इन्हें एक खास मसलहत के तहत बनाया है। लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से बेखबर हैं। नॉलेज फैक्ट्री के इल्मी दोस्तों, यहाँ कुछ लोग ये सवाल भी उठा सकते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की तो फिर अपेंडिक्स का क्या काम है। तो मैं यहाँ अर्ज करता चलूँ कि आज से हजारों साल पहले का इंसान जब अपना गुजर बसर जंगलों में करता था तो इस वक्त खाने पीने के लिए पिज़्ज़े, बर्गर, समोसे और मैकडोनल्ड के खाने नहीं थे, बल्कि इनका गुजर बसर जंगलात के जंगली बेल बूटों और पत्तों पर था, जिनमें बाज मीठे और बाज जहरीले थे। जिस्म को जहर से महफूज रखा जाए, इसलिए कुदरत ने जिस्म के अंदर ऐसा निज़ाम रखा जिससे जहरीली खुराक सीधी अपेंडिक्स की नाली में जाती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इंसान में शऊर और अकल आई और इंसान ने जंगलों से निकलकर पहाड़ों और मकानों में रहना शुरू कर दिया। ख़वातीन हज़रात, हमारी सेहत अल्लाह का खुसूसी करम है, मगर हम लोग रोज़ इस नेमत की बेहुरमती करते हैं। हम इस अजीम मेहरबानी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। हम हर रोज़ अपने बिस्तर से उठते हैं, जो चाहते हैं खा लेते हैं और ये खाया हुआ हजम हो जाता है। हम सीधा चल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, झुक सकते हैं। हमारा दिल, दिमाग, जिगर और गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं। हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, नाक से सूंघ और मुँह से चख सकते हैं। दोस्तों, हम सब अल्लाह ताला के फजलो करम के कर्जदार हैं और हमें इस अजीम मेहरबानी पर अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि सेहत वो नेमत है जो अगर छिन जाए तो हम पूरी दुनिया के खजाने खर्च करके भी ये नेमत वापस नहीं ले सकते। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। नाज़रीन इकराम, अगर आप हमारी वीडियो से मुत्तफिक हैं तो कमेंट्स बॉक्स में सुभान अल्लाह कहकर इसकी हम्द बयान करें और इस वीडियो को जितना हो सके दूसरों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिर्दोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।